प्रणाम बच्चों, बच्चों आज रूपा डरी नहीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। बच्चों आप सबको मालूम है 26 जनवरी की परेड में साहसी बच्चे भी भाग लेते हैं। आज आपको एक ऐसी साहसी, बहादुर, निडर और सूझबूझ लड़की के बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने में रुचि थी और खेल कूद में भी चुस्त थी। एक दिन वह अपने दोस्त रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। मनीष चोर बना था। वह दूर कहीं जाकर छिप गया। मनीष को ढूंढते हुए रूपा गन्ने के खेत पहुंच गई। वहां उसने देखा कि मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधा हुआ था और मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। एक पल के लिए वह सहम गई। और इस चित्र में देख रहे हो बच्चों, किस प्रकार मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए हैं। और उसी समय रूपा साहस बटोरकर मनीष के मुंह से कपड़ा हटा दी। फिर किसी ने रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। हमला करने वाले उस आदमी के हाथ को जोर से काटा। दर्द होने पर उस आदमी ने हाथ को खींच लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकलकर भागी। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागने लगा। और इस चित्र में देख रहे हो बच्चों कि किस प्रकार रूपा भाग रही है। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाकर आदमी की ओर जोर से फेंका तो निशाना ठीक बैठा। उस आदमी को सिर पर चोट लगी और खून बहने लगी। अब उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर गिर गया। उसी समय लपक कर रूपा उसका ही डंडा लेकर जोर से पिटाई थी। वह बेहोश हो गया। रूपा भाग कर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उस आदमी को बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी। चौकसी माने निगरानी करने लगी। और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान दी और उसने बोला, ये तो गांव से भागा हुआ दुष्ट कचेरू है, पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस वालों ने बंदी बनाकर जेल में रखा उस आदमी को और खूब पीटा। उसने बताया कि आज रात को उसके कुछ साथी मुखिया के घर ढाका डालने वाले हैं। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उस जीप में से चार डाकू बाहर निकले। पुलिस तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक आदमी के हाथ में बंदूक था। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं को पकड़ने का समाचार आया और रूपा का तस्वीर भी छपा। इस प्रकार रूपा साहस से मुश्किलों का सामना किया। पुलिस वालों की मदद करके डाकुओं को पकड़वा दिया। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ और हिम्मत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद।